भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। जिले में आज तीनों विधानसभा में मतदान सुबह 7 बजे से 5 बजे तक कुल 65.88% मतदान हुआ है, जिसमें भंडारा विधानसभा क्षेत्र में 62.78%, तुमसा विधानसभा क्षेत्र में 68.27% और साकोली विधानसभा क्षेत्र में 67.21%, कुल मिलाकर 65.88% मतदान हुआ है। महाविकास आघाड़ी तुमसर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार चरण वाघमारे ने अपने गांव कांधरी में सपरिवार के साथ जाकर मतदान किया और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ऐसी जनता से अपील की है। लोक सेवा उत्सव है, सकाळ पासून प्रत्येक मतदान केंद्रावर फिरत असताना मला लोकांचा जो प्रतिसाद मिळालेला आहे, नक्कीच 23 तारखेला आपला विजय निश्चित आहे। जिले में आज तीनों विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। सुबह से मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जहां नागरिकों के साथ साथ नेता भी नजर आए, जिसमें पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने सपरिवार मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसी प्रकार निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े ने अपने परिवार के साथ मतदान किया, साथ ही डॉक्टर परिणय फुके ने मतदान कर लोगों से मतदान करने की अपील की। जिले में आज तीनों विधानसभा में मतदान जारी है, जिसमें सुबह 7 बजे से 3 बजे तक कुल 51.32% मतदान हुआ है, जिसमें भंडारा विधानसभा क्षेत्र में 48.72%, तुमसर विधानसभा क्षेत्र में 52.72% और साकोली विधानसभा क्षेत्र में 52.99%, कुल मिलाकर 51.32% मतदान हुआ है। भंडारा जिले में विधानसभा आम चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस मतदान में भंडारा जिले के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है और जिले के सभी मतदान केंद्रों पर लोगों का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सुबह से ही कतार में लगकर वोट डाल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर किस उम्मीदवार को भंडारा जिले के विधायक के लिए चुना है। ये आने वाले 23 नवंबर को पता चलेगा। आज 20 नवंबर 2024 को विधानसभा मतदान केंद्र प्रकाश हाई स्कूल अडाल में डॉक्टर कैकाडे, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी पौनी और बोंद्रे स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ने बूथ पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही पौनी के पास भेंडाला स्थित बूथ पर एक कर्मचारी की हालत उच्च रक्तदाब के कारण बिगड़ने पर डॉक्टर धनश्री खंडायत के माध्यम से तत्काल स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की गई और कर्मचारी को एम्बुलेंस द्वारा ग्रामीण अस्पताल पौनी में भर्ती कराया गया। भंडारा विधानसभा आम चुनाव के तहत जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने जा रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है, जिसमें वोटिंग के लिए नए मतदाता, बुजुर्ग नागरिक, महिलाएं एवं दिव्यांग मतदाता शामिल है। उसी तरह 84 वर्षीय बुजुर्ग नागरिक बख्शी साखरकर ने अपना वोट डालकर लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आह्वान किया है। जिले में
आज तीनों विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है, जिसमें सुबह 11 बजे से 1 बजे तक कुल 35.6% मतदान हुआ है, जिसमें भंडारा विधानसभा क्षेत्र में 32.98%, तुमसा विधानसभा क्षेत्र में 36.27% और साकोली विधानसभा क्षेत्र में 36.33%, कुल मिलाकर 35.6% मतदान हुआ है। भंडारा जिले में विधानसभा आम चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस मतदान में भंडारा जिले के तृतीय पंथी मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 11:30 बजे तक जिले में 19.44% मतदान हुआ। आज के विधानसभा चुनाव के लिए नए मतदाता, बुजुर्ग नागरिक, गृहणिया, दिव्यांग मतदाता सुबह से ही कतार में लगकर वोट डाल रहे हैं। भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार लाडली बहना बूथ पर नजर आई। भंडारा विधानसभा क्षेत्र के चांदनी चौक, अम्बेडकर वार्ड, गांधी चौक, छोटा बाजार, ऐसे अनेक बूथों पर मतदाताओं को कौन से मतदान केंद्र पर है, इसकी जानकारी देने हेतु इस बार लाडली बहना भी बूथ पर नजर आई। भंडारा जिले में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, जिसके तहत जिले के हर चौराहे पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। जिले के विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हो या कोई अनहोनी ना हो, इसलिए स्वयं पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन हर चौराहे पर जाकर गाड़ियों की जांच कर रहे हैं, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसी तरह भंडारा जिले के मुजबी ग्राम में सुबह 7 बजे से सखी मतदान केंद्र पर नागरिकों की भीड़ देखी गई। नागरिक अपना मतदान करने सखी मतदान केंद्र पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिले में आज तीनों विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है, जिसमें सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कुल 19.44% मतदान हुआ है, जिसमें भंडारा विधानसभा क्षेत्र में 5.56%, तुमसा विधानसभा क्षेत्र में 6.91% और साकोली विधानसभा क्षेत्र में 6.31%, कुल मिलाकर 19.44% मतदान हुआ है। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होने जा रहे हैं, जिसके तहत जगह जगह मतदान पर्चियां वितरित करने बूथ लगाए गए हैं। इसी प्रकार प्रभाग क्रमांक 9 में बूथ लगाकर मतदाताओं को मतदान पर्चियां वितरित किया जा रहा है। बूथ में मौजूद आबिद सिद्दीकी ने जनता से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कर अच्छा विधायक चुनकर लाए। पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और सिंधेगढ़ के हमारे उम्मीदवार लोकप्रिय नरेंद्र जी गोंडेकर, इनके 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए और उनके रहते हुए भंडारा विधानसभा में जितने विकास के काम हुए उसको देखते हुए भंडारा विधानसभा की जनता से आह्वान करता हूं कि इस बार धनुष बांध को मतदान करके एक बार फिर से भंडारे का जिले का पालक मंत्री बनने का सम्मान हासिल करें। भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र के महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र भुंडेकर ने अपना मतदान कर सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ताकि अच्छा उम्मीदवार विधायक भंडारा की जनता को मिले। उसी प्रकार जिस तरह से कहा जा रहा है कि तिहाई लड़ाई है, लेकिन इस बार तिहाई लड़ाई नहीं, 5 उम्मीदवारों में लड़त है। लोकांना इतकंच आवाहन करेल की ह्या लोकशाहीच्या महोत्सवामध्ये जास्तीत जास्त
मतदार आणि मतदान आपला हक्क बजावला पाहिजे, कारण ह्या महोत्सवामध्ये जास्तीत जास्त हक्क बजावला तर योग्य उमेदवार योग्य आमदार लोकप्रतिनिधी आपला निवडता येते। कारण बरेचसा लोक मतदान करत नाही आणि त्याच्यामध्येच जे जातीपातीचं राजकारण होतो आणि त्याच्यामध्ये मग उमेदवार चांगल्या उमेदवाराला फटका पडतो। त्यासाठी चांगल्या लोकांनी एज्युकेटेड लोकांनी जास्तीत जास्त मतदान करावं आणि विधानसभाचा आपला हक्काचा लोकप्रतिनिधी ज्यांनी जो विकास करू शकेल असा आणि जो मतदारसंघाचं नाव समोर घेऊन जाऊ शकेल असा उमेदवाराची निवड करता येईल असं मला वाटतं। मला वाटते त्रिशंकू ही पचरंगी झालेली आहे, पाच पाच उमेदवार मजबूत उमेदवार म्हणून आहेत, हा त्रिशंकू नाही आहे। हे काही लोक फुगा फुलवतात, हा पचरंगी झालेला आहे। कारण आपण जर पाहिलं तर यामध्ये दोन उमेदवार अजून आपण सोडू नाकारता येणार नाही, जे मागच्या वेळेस 2014 BSP सत्तेचाळीस हजार मतदान मिळाले होते, देवगण गाडवे आणि काँग्रेसचे माजी जिल्हा अध्यक्ष प्रेमसागर गणवीर, हे सुद्धा तगडे उमेदवार आहेत। हे असे पचरंगी उमेदवार आहेत, असं त्रिशंकू नाही म्हणता येणार, पचरंगी म्हणता येणार, कारण ते पण मतदान चांगले घेणार। 100% आमचं जिंकण्याची खात्री आहे, कारण आमचे संघटन मजबूत आहे, ग्राउंडवरती काम करणारे संघटन आहे आणि त्याच्यामुळे आमच्या कामं आहेत, संपर्क आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे आम्हाला खात्री आहे की आम्ही विजय आमचा होईल। आणि फक्त आता मतदान होऊ द्या, मतदान झाल्यानंतर आपल्याला 23 तारखेनंतर भगवाच गुलाल दिसेल। आज 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए साकोली निर्वाचन क्षेत्र में प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया की पूरी तैयारी कर ली है। निर्वाचन क्षेत्र के 379 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुँचाने का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। चुनाव प्रक्रिया के लिए कुल 1724 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। मतदान सामग्री EVM मशीन अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया है और मतदान के बाद उनके सुरक्षित वापसी के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य के लिए 44 बड़ी बसों, 17 छोटी वाहनों और जोनल अधिकारियों के लिए 39 वाहनों की व्यवस्था की गई। भंडारा विधानसभा आम चुनाव के तहत जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने जा रहे हैं और जिले की 3 विधानसभाओं में विधायक कौन होगा इसके लिए मतदान प्रणाली तैयार की गई है। वे मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं, सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। जिले के तुमसर, भंडारा और साकोली निर्वाचन क्षेत्र में कुल 10,16,870 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस वर्ष जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 50 प्रत्याशी मैदान में है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में 1,167 मतदान केंद्र है।